नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हाजिर हैं एक लेटेस्ट वीडियो के साथ। दोस्तों, स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद की तरफ से वैकेंसी निकली हुई है, बड़ी भर्ती आई हुई है कुल 1636 पदों पे। तो इसके बारे में इंफॉर्मेशन आपको मिल चुकी होगी, पर जो क्वेरी आ रही थी निकल के वो ये आ रही थी कि ऑनलाइन अप्लाई करने का लिंक कैंडिडेट्स को नहीं मिल रहा था, कि कहाँ और कैसे जाके इन पदों के लिए अप्लाई करना है वो समझ नहीं पा रहे हैं काफी कैंडिडेट्स, जबकि 18 तारीख से इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। तो ठीक है, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको विस्तार से बता देता हूं कहां कैसे जाके आप इन पदों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ ये वैकेंसियां निकली हुई हैं, हरियाणा स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद की तरफ से रिक्रूटमेंट है, और यहाँ एडवर्टाइजमेंट फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ 1207 पोस्ट ऑफ असिस्टेंट ब्लॉक रिसोर्स कोऑर्डिनेटर, और 429 पोस्ट है ब्लॉक रिसोर्स पर्सन की। तो दोस्तों, यहां से आपने नोटिफिकेशन तो देख लिया होगा, बाकी इनसे जुड़े हुए वीडियो भी अवेलेबल हैं चैनल पे, आप वो भी देख सकते हैं। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक मिल जाएगा। बाकी आपको अप्लाई करना है यहां पे जाके, ये देखिए ये वेबसाइट है recruitment-portal.in, तो यहां पे जाके आपको इन पदों के लिए अप्लाई करना है। इसका लिंक भी आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ आप आएंगे होम पेज पे ही सबसे ऊपर आपको दिखाई दे जाएगा हरियाणा स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद हरियाणा, तो आपको इस पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। तो यहां आपको दोनों के लिए अलग से लिंक मिल जाएगा, जो 1207 वैकेंसियां हैं उनके लिए ऊपर वाला लिंक है, और जो 429 पोस्ट हैं उनके लिए ये नीचे वाला लिंक है। आपको जिन भी पदों के लिए अप्लाई करना है आप उस लिंक पे क्लिक कीजिए। मान लीजिए मैं क्लिक करके आपको दिखा देता हूं, जैसे ही आप क्लिक करेंगे इस तरह से नेक्स्ट पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। यहां पे आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। देखिए, न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कीजिए, यहाँ पोस्ट अप्लाइड फॉर सिलेक्ट कीजिए, एप्लीकेंट नेम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, कैटेगरी, मैरिटल स्टेटस है, और जो भी यहाँ इंफॉर्मेशन आपसे मांगी गई है वो सारी भर के और प्रोसीड कर दीजिए। तो ठीक है दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आप तक यही इन्फॉर्मेशन पहुंचानी थी कि यहाँ पे जाके आप इन पदों के लिए और इस प्रकार से अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि लगातार कमेंट्स आ रहे थे कैंडिडेट्स को ये ऑनलाइन एप्लीकेशन का लिंक ही नहीं मिल रहा था। तो अब आपको ये लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और जैसे मैंने आपको बताया वहां जाके आप इन पदों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कीजिए, बाकी किसी प्रकार की अन्य वीडियोज के लिए चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। तो आज और अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नई लेटेस्ट रिक्रूटमेंट की इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।